भोजपुरिया सिने प्रेमियों के चेहरे पर उस समय सबसे ज्यादा खुशी देखने को मिलती है जब किसी बड़े सुपरस्टार की फिल्म सिनेमाघर में रिलीज होती है। लेकिन अगर गलती से भी दो बड़े सुपरस्टारों की फिल्में आपस में टकरा जाएं तो वहां एक तरफ दर्शकों की दिलचस्पी का केंद्र बढ़ जाता है तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म सितारों के चेहरे पर चिंता की लकीरें और तेज हो जाती हैं। हाल ही में ये एक बार फिर से होने जा रहा है जब ना चाहते हुए भी तीन फिल्में आपस में टकरा सकती हैं। हालांकि इन तीनों ही फिल्मों की रिलीजिंग डेट बिल्कुल अलग अलग समय पर रखी गई थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं फिल्म वॉन्टेड की, जो बीते महीने 18 मई को रिलीज हुई, तो वहीं दूसरी फिल्म आवारा बलम इस फिल्म के 6 दिन बाद यानी 25 मई को बिहार के सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी और बॉर्डर इस ईद यानी कि 15 जून को रिलीज हुई। उसके बावजूद मुंबई के सिनेमाघरों में ये तीनों ही फिल्में आपस में टकरा गई हैं। कई लोग दर्शक कंफ्यूज हो गए हैं कि हम किसकी फिल्में देखने जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों का ही इंडस्ट्री में बड़ा नाम है, तीनों के नाम से ही फिल्में चलती हैं। वेल, बता दें कि अगर वांटेड की बात करें तो हाल ही में वांटेड रिलीज हुई जब मुंबई के सिनेमाघरों में बाहर आते दर्शकों ने फिल्म की खूब तारीफ की, फिल्म को खूब सराहा, तो वहीं जिस सिनेमाघर में आवारा बलम रिलीज हुई वहां भी टिकट के लिए दर्शकों की लंबी कतारें सिनेमाघरों के बाहर देखने को मिली हैं। और रही बात बॉर्डर की, तो अभी तक आप लोग बॉर्डर फिल्म का मुंबई में शानदार कलेक्शन के आंकड़े के रिकॉर्ड जान ही चुके होंगे, क्योंकि तीनों फिल्में मुंबई में एक साथ रिलीज हुई हैं, तो देखना आगे आने वाले समय के लिए दिलचस्प होने वाला है कि कौन से फिल्म को दर्शक सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और देते हैं अपना प्यार। नेक्स्ट 9 न्यूज़, भोजपुरिया की रिपोर्ट।